जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों फ्रैक्शन यानी भिन्न का हमारा आज नेक्स्ट क्लास है। देखिए इस क्लास में बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस को बनाना सीखेंगे। दो टाइप का क्वेश्चन बेसिकली हमसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो उन्हीं को बनाना सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि आरोही क्रम में सजाना है और दूसरा प्रश्न है अवरोही क्रम में सजाना है। देखिए पहला आरोही क्रम, दूसरा अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, पहले समझिए। सबसे पहले हम सब सीखेंगे आरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या होता है कि सक्सेसिव ऑर्डर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सक्सेसिव ऑर्डर। मतलब आरोही मतलब कहने का यह मतलब पहले छोटा होगा, आरोही मतलब पहले छोटा होगा ओकरा बाद बड़ा होगा। मतलब छोटका से बड़का के तरफ लिखिए। जैसे आपसे कह दे कि दो है, पांच है, सात है, एक है, चार है। दो पांच सात एक चार, इसको आप बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम कहने का क्या मतलब कि पहले छोट आ ओकरा बाद बड़, फिर ओकरा बाद और बड़, फिर ओकरा बाद और बड़, ऐसे ना। तो छोटका से बड़का के तरफ लिखना है। तो एमे से देखिए कि छोट कौन है, तो एक है, ओकरा बाद कौन है, तो दो है, ओकरा बाद कौन है, चार है, ओकरा बाद कौन है, पांच है, ओकरा बाद कौन है, सात है। तो छोट से शुरू किया बड़का के तरफ बढ़ते चल गए, तो इसी को बोलते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब छोटका से बड़का के तरफ, अवरोही क्रम मतलब बड़का से छोटका के तरफ, ठीक है। तो ये तो सिंपल देखने में लग रहा था कि आसानी से पहचान लिए कि इसमें बड़ कौन है या छोट कौन है, लिखते चले गए, ठीक। तो ये तो बात कर ली हम पूर्णांक वाला संख्या के। तो पूर्णांक वाला संख्या के तो आसानी से बना लेते हैं, लेकिन आपसे वही अगर भिन्न वाला संख्या पूछ दे, भिन्न दे करके और आपको कहे कि आरोही अवरोही सजाइए, तो कैसे सजाइएगा। चलिए इसको हम आरोही क्रम में सजाते हैं। सबसे पहले देखिए सजाने के क्रम में आपको सबसे पहले पैटर्न खोजना है कि कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करता होगा। जैसे देखिए दो बटा पांच, छ बटा पांच, तीन बटा पांच और नौ बटा पांच, एकदम साधारण क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। तो नीचे में देखिए सारा पांच पांच है कि नहीं है, तो नीचे में तो सारा पांच पांच है, ठीक, इक्वल है, बराबर है। तो जब हर बराबर हो, आप लिख लीजिए कि हर बराबर हो, हर बराबर हो, हर मतलब इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हर बराबर हो तो अंश बड़ा वाला बड़ा एवं छोटा वाला छोटा, ठीक। क्या सीखे कि जब हर बराबर हो मतलब नीचे वाला बराबर हो, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अंश में चलते हैं, अंश ऊपर वाला को बोलते हैं। तो एकरा में दो, एकरा में छ, एकरा में तीन, एकरा में नौ है। तो देखिए आपको आरोही क्रम में जाना है, मतलब छोटका से बड़का के तरफ जाना है कि नहीं जाना है। तो छोटका से बड़का के तरफ जाना है, तो ए में जैसा जेकर अंश छोट होगा वो सबसे छोट हो जाएगा, जेकर बड़ हो जाएगा वो बड़ हो जाएगा। तो सबसे छोट कौन है, दो छ तीन नौ, कौन छोट है, तो दो छोट है, तो पहले दो लिख लेंगे, ओकरा बाद तीन है तो तीन लिख लेंगे, ओकरा बाद छ तो छ लिख लेंगे, ओकरा बाद नौ तो नौ लिख लेंगे, और दो सबके बटा में तो पांचे है, ठीक। तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अगर नीचे वाला यानी कह दीजिए कि आपका हर बराबर है, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा हो जाएगा, जिसका अंश छोटा वो छोटा हो जाएगा, नीचे वाला यानी हर बराबर है तो, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न में देखिए क्या है कि चार बटा सात, चार बटा तीन, चार बटा नौ, चार बटा पांच। तो इसमें देख रहे हैं कि हर बराबर नहीं है, इसमें अंश बराबर है। तो जब अंश बराबर हो तो इसका उल्टा हो जाएगा, अंश बराबर हो, अंश बराबर, अंश बराबर हो तो जिसका हर छोटा वो बड़ा एवं जिसका हर बड़ा वो छोटा, उल्टा हो जाएगा इसमें। जिसका अंश बराबर होगा, जब अंश बराबर होगा तो जिसका हर छोटा होगा
वो बड़ा हो जाएगा, आ जिसका हर बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा, इसमें उल्टा सिस्टम चलता है। ठीक है, तो देखिए 7 3 9 5, 7 3 9 5 है, आपको आरोही क्रम में सजाना है, मतलब छोटका से बड़का के तरफ, तो इसमें तो उल्टा सोचना है, इसमें उल्टा सोचना है मतलब 9 हो जाएगा, सबसे छोट 9 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, और सबके ऊपर 4 है तो 4 लगा देंगे, 4 लगा दिए। चलिए इस तरह से आपका प्रश्न बन चुका है। ठीक, हर बराबर हो तो बड़का वाला बड़का, छोटका वाला छोटका, अंश बराबर हो तो छोटका वाला बड़का और बड़का वाला छोटका हो जाएगा, इस तरह के प्रश्न को बना लेंगे। इस तरह से अब देखिए, इसमें देखिए 6/7, 5/6, 7/8, 4/5, न इसमें अंश बराबर है न हर बराबर है, तो कोई ना कोई चीज इसमें जरूर होता होगा। देखिए इसमें क्या है, सो 6 व 7 के बीच अंतर 1 का, 5 6 के बीच अंतर 1 का, 7 8 के बीच अंतर 1 का, 4 5 के बीच अंतर 1 का। तो जब अंतर 1 का हो ना, जब अंतर 1 का हो, यहां से देख क्या लिए कि अंतर 1 का हो, चाहे अंतर बराबर कह लीजिए, 1 नहीं अंतर बराबर हो जाएगा, अंतर बराबर हो तो बड़ा अंश वाला बड़ा एवं छोटा अंश वाला छोटा। ठीक है, जब अंतर बराबर हो तो बड़का अंश वाला बड़ा हो जाएगा और छोटका अंश वाला छोटका हो जाएगा, तो हमको तो आरोही क्रम में सजाना है, मतलब छोटका से बड़का। तो देखिए कि सबसे छोट कौन है, ऊपर वाला में खाली देखिए तो सबसे छोट 4 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, ओकरा बाद 7 हो जाएगा, और 4 के नीचे में 5 है, 5 के नीचे में 6 है, 6 के नीचे में 7 है, और 7 के नीचे में 8 है। तो इस तरह से प्रश्न को हम बना लेते हैं। तो तीन तरह के देखिए कि अंश बराबर है, हर बराबर है और अंतर समान है, तो इस तरह से बनाएंगे, तो अब दिक्कत नहीं होगा आरोही क्रम अवरोही क्रम लिखने में। अब चलते हैं, सीखते हैं अवरोही क्रम में सजाना है, तो आरोही पूछे चाहे अवरोही पूछे, तरीका तो मालूम होना चाहिए, खाली आगे पीछे करना है, बड़का से छोटका, छोटका से बड़का जाना है। अब इसमें देखिए क्या है प्रश्न, सो इसमें देखिए 7/6, 7/9, 4/5, 5/7, पहले बहुत छोट पता कीजिए, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि अंतरवा समान है ये नहीं है, और न हंस बड़ा है बराबर है, न हर बराबर है, क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम अंतर निकाल लेते हैं, इसमें अंतर निकालिए, तो अंतर निकालेंगे तो 7/6 में 1 का अंतर हो जाएगा, इसमें 2 का अंतर हो जाएगा, इसमें 1 का अंतर हो जाएगा, और इसमें 2 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो देखिए एकरा में ये दोनों में तो अंतर क्या है, ये दोनों में अंतर 1 का है, और ये दोनों में अंतर कितना का है, 2 का है। ठीक है, तो अंतर 1 का है और अंतर 2 का है, तो सबसे पहले कम अंतर वाला बड़ा होता है, सबसे पहले कम अंतर वाला बड़ा होता है, तो हम इसमें और इसमें तो कंपेयर कर सकते हैं, ये दोनों में हम कंपेयर कर सकते हैं क्या कि कौन बड़ा है या कौन छोट है। तो देखिए जब अंतर बराबर है, ये दोनों का अंतर बराबर है कि नहीं है, 7/6 और 4/5 का अंतर बराबर है, 1 1 है, तो दोनों में तो पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोट है, तो जेकर अंश बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 7/6 सबसे पहला बात आपका बड़ा हो जाएगा, 7/6 पहले बड़ा हो जाएगा, ओकरा बाद 4/5 हो जाएगा। ठीक, 7/6 सबसे बड़का और उससे छोटा हो जाएगा 4/5, जितना ज्यादा का अंतर होगा उतना ज्यादा छोट होते जाएगा, तो ये दोनों में हम पता कर लिए कि ई सबसे बड़ हो गया, ई ओकरा से तनका छोट हो गया। अब चलते हैं ई वाला में, एकरा में अंतर 2 का है, तो जब अंतर 2 का है तो बताइए जेकर अंश बड़ा हो जाएगा, जिसका अंश बड़ा हो जाएगा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा, तो ये दोनों में हम जाएंगे तो हमको 7/9 मिल जाएगा एकरा से बड़ का, और उसके बाद मिल जाएगा 5/7 हमको सबसे छोट मिल जाएगा, तो अंतर से भी हम पता कर लेते हैं। अब चलते हैं इस प्रश्न की तरफ, क्या
क्या कहा गया, 15/16, 19/20, 24/25, 34/35। देखिए अंतरवा सब में समान है, मतलब एक है, अंतरवा सब में समान है कि नहीं, एक 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 एक, तो इतना बड़ी आसान हो गया। जब अंतर समान होता है तो जो जिसका भिन्न छोटा होता है वो छोटा, जिसका बड़ा होता है वो बड़ा। तो इधर बात उधर से इधर पलट के लिख देना है, तो 34/35, उसके बाद 24/25, उसके बाद 19/20, और उसके बाद 15/16। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है कि बड़का से छोटका की तरफ लिखना है, तो ये बना लिए। अब क्या है कि 3/5, 7/9, 11/13 और 15/17। अच्छा, 3/5 दो का अंतर है, इसमें 7/9 दो का अंतर, 11/13 दो का अंतर, 15/17 दो का अंतर। तो जब अंतरवा समान होता है तो अंतर समान होता है तो क्या करते हैं, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा 15 वाला है तो बड़का से छोटका की तरफ न जाना है, 15/17, उसके बाद 11/13 हो जाएगा, उसके बाद 7/9 हो जाएगा, और उसके बाद 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो इस तरह से आरोही अवरोही क्रम में हम सजाना सीख लिए। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछ देगा, कह देगा कि 15/6 है, 6 नहीं लेते हैं, यहाँ नीचे में कट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, 15/7 ले लेते हैं, और उसके बाद कह देगा कि और बताइए हमको 13/6। 15/7 और 13/6 में बड़ कौन है, छोट कौन है, तो एगो नियम आप जानते हैं, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, क्रॉस गुना कर देते हैं, तो 15/6 का कितना हो जाएगा 90, तो ये 90 हो जाएगा, और उसके बाद 13/7 कितना हो जाएगा 91, तो ये 91 हो जाएगा। अब आप सोचिए कि 90 बड़ है कि 91 बड़ है, तो 91 बड़ है, यानी कि 13/ यहाँ से कह देंगे कि 13/6 जो है, 13/6 ग्रेटर देन 15/7। इस तरह से भी प्रश्न पूछ गया था, दो गो भिन्न दे देगा और कहेगा छोट कोना बड़ कोट, तो क्रॉस गुना करके आप पता लगा सकते हैं। तो जितना तरह से अवरोही क्रम में आरोही क्रम में सजाने वाला प्रश्न पूछ लिया जाता था, आपको हम बनाना सिखा दिए। कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय।